सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज इन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टीन टाइटंस के ओरिजिनल सीरीज के बारे में, जो कि 2003 में हमें देखने को मिली थी, जिसके टोटल 5 सीजन्स है, जिसमें हमें 13-13 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग 2003 से 2006 तक ये पूरी सीरीज चली थी। तो आज हम करेंगे इसका फर्स्ट एपिसोड, जो कि फर्स्ट सीजन है, उसका फर्स्ट एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे टीन टाइटंस मूवी जो लेटेस्ट आई है उसका एक्सप्लेनेशन, या फिर टीन टाइटंस गो का जो एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट एपिसोड का, वो नहीं सुना होगा, वो नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर आई बटन पे आपको ये दोनों तीनों लिंक्स फ्लैश हो जाएगी। आप उसको देख के उस चीज़ का मज़ा उठा सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें देखना पसंद है, या फिर किन के एक्सप्लेनेशन मैं आपको करके बताऊँ। तो चलिए आज हम करते हैं एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत होती है सिंडर ब्लॉक से, जो कि एक जेल के अंदर तोड़फोड़ करते हुए अंदर घुसते हुए नजर आता है, जिसको गार्ड रोकने का काम करते हैं, लेकिन वो गार्ड उसे रोक नहीं पाते। तब आ जाती है हमारी टीन टाइटंस की पूरी गैंग, और गाने के साथ इस सीरीज की शुरुआत हो जाती है इस एपिसोड के अंदर, जहाँ पर वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, रोकने का काम करते हैं सिंडर ब्लॉक को, जहाँ पर ये टीन टाइटंस के मेंबर एक एक करके उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये नाकामयाब साबित होते हैं। लेकिन साइबॉग और रॉबिन टीम अप करते हैं और दोनों मिलके उसको हराने की कोशिश करते हैं, जिसमें लगभग ये कामयाब ही होने वाले होते हैं, लेकिन इन दोनों का पैर एक दूसरे के पैर के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, और उनके जो गैजेट से वार करने वाले थे ये इन्हीं के लोगों के ऊपर, यानी टीन टाइटंस के अदर मेंबर्स के ऊपर आके गिर जाते हैं, जिस वजह से सिंडर ब्लॉक आगे बढ़ जाता है, और फिर साइबॉग और रॉबिन के बीच में थोड़ी सी बहस छिड़ जाती है। और इधर हम अंदर देख रहे हैं कि सिंडर ब्लॉक एक लैब के अंदर पहुंच चुका है, जिसमें एक क्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर एक आदमी रखा हुआ है, जिसको वो उखाड़ के लेके जाता है। अब सिंडर ब्लॉक आया तो था अंदर, तो उसने एक एक दीवार भी तोड़ी थी, जिस वजह से जेल के जो कैदी है वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिनको रोकने का काम ये हमारी टी टाइटंस की गैंग कर देती है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है साइबॉग और रॉबिन के बीच में, कि भाई तुम्हारी वजह से इस वजह से ये रोक नहीं पाया और ये कामयाब हो गया उसको लेके भागने में। अब यहाँ पर बातों में रॉबिन से ये निकल जाता है मुँह से कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम तुम्हारे बलबूते पे नहीं जीती। तो ऐसा होने के बावजूद साइबॉग वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये टीम छोड़ने की धमकी देके वहाँ से निकल भागता है। इधर सिंडर ब्लॉक किसी को तो वो जो पार्सल है, वो एक्चुअल में जो आदमी है, वो देने के लिए आ चुका है। यहाँ पर वो आदमी कहता है सिंडर ब्लॉक से कि तुम उसे रिहा कर दो, उस पानी में से बाहर निकालो। जहाँ पर उसे बाहर निकाला जाता है तो वो कहता है, जिसको पानी में से बाहर निकाला है, कि भाई मुझे मनुष्य ही रहने देने के लिए मुझे सोना ज़रूरी है, जो कि मैं पानी के अंदर ही सो सकता हूँ। लेकिन वो जो आदमी था वो कह देता है कि मुझे चाहिए प्लामस, ना कि तुम्हारा मनुष्य का वर्जन। यहाँ पर दोस्तों ये हो सकता है कि ये जो बंदा है ये डेड शॉट हो सकता है, इस तरह से उसने कपड़े भी पहने हैं, ये आगे आने वाले एपिसोड में क्लियर भी हो जाएगा। इधर वो आदमी बाहर निकलता है और प्लामस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर टीन टाइटंस के टावर में हम देखते हैं, जहाँ पर रेवन कुछ ना कुछ पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बीस्ट बॉय साइबॉक को मिस कर रहा है, और स्टारफायर बना रही है कुछ तो कुक करते हुए नजर आती है, जो बनाया हुआ है उसने वो बीस्ट बॉय को खिला देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात बनाया था, ऐसा उसे बोलने का मतलब होता है बीस्ट बॉय का। तो स्टारफायर वो खिलाने के लिए चली जाती है रॉबिन के पास, जहाँ पर रॉबिन मिस कर रहा है एक्चुअल में साइबॉक को। फिर इधर वो किचन में आ जाता है, जहाँ पर बीस्ट बॉय भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों एक्चुअल में साइबॉक को मिस ही कर रहे होते हैं। फिर रॉबिन का गेम खेलना, उसको साइबॉक को हराना गेम के अंदर, उसकी लेवल अप कर देना, इस टाइम पे रॉबिन को साइबॉक की ही याद आते लगती है। फिर रॉबिन साइबॉक की रूम में जाता है, वहाँ पे देखता है तो वो फिर से उसे मिस करने लग जाता है। इसी के बीच एक सायरन बजता है कि कहीं तो लैब में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, तो ये लोग अभी निकल पड़ते हैं उस लैब की तरफ। इधर हम देख रहे हैं उस फैक्ट्री में, उस लैब में, जहाँ पर प्लामस कुछ ना कुछ लिक्विड बना के पीते हुए नजर आता है, जिससे वो बड़ा भी होते जा रहा है। और तभी एंट्री होती है टीन टाइटंस के मेंबर्स की, जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रोक नहीं पाते। वो तो एक तो दलदल सा ही है, तो वो फिर से वो टूट जाएगा, फिर से वो जुड़ के बन जाएगा, इस वे में वो बन रहा है, और ये लोग उसे रोकने का कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसी के बीच वो लोग उसे फंसाने में कामयाब हो जाते हैं अपने जाल में, लेकिन वो फंसता नहीं है, वहाँ से फिर निकल उठता है।
इसी के बीच में उनको सायरन सुनाई देता है कि भाई सिटी में सिंडर ब्लॉक इधर उधर घूम रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन ये भागने नहीं देता, प्लामस इन्हें रोक के रखता है और एक एक करके सबके पीछे लगता है और उन्हें मारने लगता है। इसी टाइम पे रॉबिन के पीछे भी वो पड़ा हुआ है, तो रॉबिन जो है वो एक्चुअल में एक एस्केलेटर पे है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर जाता है, यानी एक्चुअल में वो उसको उस चीज़ को डालने के लिए लिक्विड वाले वो ड्रम में उस चीज़ के ऊपर उस बेल्ट के ऊपर वो होता है। तभी रॉबिन को पता चल जाता है कि भाई नीचे गिरने की वजह से इस प्लामस की मौत हो सकती है, जो कि लिक्विड में अंदर गिर गया तो वो जल जाएगा। इधर हम बीच में देख रहे हैं उसी डेड शॉट को जो कह रहा है कि भाई टीन टाइटन से एक अलग मिशन पे लगी हुई है तो हमारी मिशन ये सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी सिंडर ब्लॉक अभी इसी कारण से सिटी में घूम रहा है। अब इधर दोस्तों रॉबिन उससे पीछा छुड़ा के उसको ड्रम में गिराने की कोशिश करा रहा है प्लामस को, लेकिन इसी के बीच में वो गिर तो जाता है लेकिन रॉबिन भी उसके साथ नीचे गिरने लगता है। तभी एंट्री हो जाती है साइबॉक की जो कि रॉबिन को बचा ले जाता है और यहाँ पर ये दोनों फिर से टीम अप करते हैं और उसको हरा देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े से ब्लास्ट की वजह से ये फिर से वो जो प्लामस था वो फिर से आदमी बन जाता है और वो नॉर्मल वे में सो जाता है। और इसी के बीच साइबॉक ये भी कहता है कि तुम मेरे से ज़्यादा नाराज़ हो इसलिए मैंने और एक तोहफा लाया है, तो ये साइबॉक लेके आया है सिंडर ब्लॉक को पकड़ के। फिर इधर हम डेडशॉट के मुंह से सुनते हैं कि ठीक है ये प्लान फ्लॉप हो गया लेकिन मैं टीन टाइटन्स ज़रूर तुम्हें पकड़ के रहूँगा। इसी नोट पे दोस्तों ये एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। बहुत ही फास्ट पेसिंग है दोस्तों, 20 मिनट का एपिसोड है लेकिन आपको कहीं पे भी नहीं लगता कि भाई 20 मिनट तक एपिसोड चल रहा है। बीच में कॉमेडी गैग्स और इनकी जो फाइटिंग स्किल्स है वो देखने को मिलती है। हाँ, टीन टाइटन्स गो जैसी वाहियात नहीं, थोड़ी सी मैच्योर हमें देखने को मिलती है और जो एनिमेशन स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आया था उस टाइम पे, 2003 में, तो ये एनिमेशन स्टाइल भी ऑसम रहा है। आपका क्या कहना है इस सीरीज के बारे में, इस एपिसोड के बारे में, वो नीचे कमेंट कर सकते हो। कुछ छूट गया रहेगा तो वो भी नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।